हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं, बड़ी यूनिक है, बड़ी मज़े की है। देगी कोरमा, कोरमे तो बहुत दफ़ा आपने बनाए हैं घर में और खाए भी हैं, लेकिन सम टाइम दिल करता है कि हम देगी कोई चीज़ खाएं। ये बिल्कुल सेम वैसा स्टाइल है। रेसिपी को ध्यान से बनाइएगा, बड़ी मज़ा आएगा आपको और वैसा ही बनेगा जैसे देग में बनाते हैं। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये तीन प्याज हैं जिसको मैंने काट के छोटा छोटा रख लिया। ये प्याज, अदरक और लहसुन है। ये प्याज़ों को इतना छोटा नहीं किया, बस दो दो तीन तीन स्लाइस में। ये खड़े मसाले हैं, तेज़पात, इलायची, छोटी बड़ी इलायची, बादयानी फूल, ज़ीरा और ये काली मिर्च, लौंग। ये बड़ा गोश्त है, इसको वॉश करके हमने रख लिए। ये हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे, साथ 1.5 लीटर पानी डाल देना है। साथ ही हमने खड़े मसाले डाल देने हैं, ये जो आपको बताए हैं, और 1 चम्मच नमक का डाल देना है। अदरक, लहसुन और प्याज इसमें डाल देना है। आधे घंटे के लिए हमने प्रेशर लगा देना, जब तक ये गल नहीं जाता। गोश्त अच्छे तरीके से गोश्त को गलना चाहिए। दूसरी तरफ वो जो प्याज मैंने काटे थे, 2-3 प्याज छोटे छोटे स्लाइस में, उसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखें ब्राउन हो गए हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं। इसे निकाल लेंगे हम। और ये हमने 1 कप हमने योगर्ट का ले लिया है, इसमें वही जो फ्राई किया था प्याज वो डाल देना है। इसमें ये देखें सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्च 1 चम्मच, टीस्पून। और ये देखें 3-4 हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन है, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड हो गया, पैन में इसको हमने डाल देना है। और साथ ही अब दोबारा जो दूसरा पोर्शन था खड़े मसालों का, वो भी इसमें डाल देना है। ये जो हमने ग्राइंडर में रेडी किया मसाला दही के साथ, उसको हमने चूल्हे पे चढ़ा के तो उसको थोड़ा सा पकाया, जब बबल्स आने शुरू हो गए हैं तो हमने दूसरा खड़ा मसाला भी इसमें डाल दिया। देखें अच्छे तरीके से मसाला रेडी हो गया। उधर हम अब चेक करते हैं अपना गोश्त। देखिए जी, ये हमारा गोश्त भी रेडी हो गया है इस मसाले में। हाँ जी, रेडी हो गया है। इसको हम मसाले में शिफ्ट कर लेते हैं, जो हमने मसाला तैयार किया। सारा गोश्त इसमें डाल के हम भुनेंगे और थोड़ा सा ये जो सूप बना है वो भी इसमें हम डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे हम स्टीम पे लगाते हैं, वो भी इसमें थोड़ा सा डाला है। एक दो दफ़ा चेक कर लेना हमने,
थोड़ी सी जब ग्रेवी बन जाए तो फिर हमने बंद कर देना चूल्हा, डिश आउट कर लेना। ये ऊपर धनिया से गार्निशिंग कर दी। ये रेडी हो गया है हमारा देगी कोरमा। ये बड़ा मज़े का नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे भी खाएं आपको बड़ा मज़ा आएगा। ज़रूर ये ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।